आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 1 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर जो करंट अफेयर्स टॉपिक है इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम लोग जो पिछले दिन का करंट अफेयर्स है उसका हम लोग रिविजन करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में हम लास्ट में स्टैटिक जीके का जो 5 क्वेश्चन है डेली उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, शासन का मूल्यांकन करने के लिए किस राज्य में सीएम कमांड सेंटर शुरू किया गया है? तो सही उत्तर इसका है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में सीएम कमांड सेंटर शुरू किया गया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यह जो कमांड सेंटर है इसका मुख्य लक्ष्य है खोलने के पीछे की जरूरतमंद और योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ही कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मेरी माटी मेरा देश यह अभियान किसने शुरू किया है? तो सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने एक अभियान को शुरू किए हैं मेरी माटी मेरा देश। यह जो है पिछले साल जैसे 15 अगस्त के लिए एक अभियान को शुरू किया गया था जिसका नाम था हर घर तिरंगा, तो उसी तरह ही इस साल लॉन्च किया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान। और यह जो अभियान है मेरी माटी मेरा देश इसे भारत के स्वतंत्रता दिवस के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है कि देश के विभिन्न गांवों और अलग अलग इलाकों से मिट्टी जो है इसको दिल्ली तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इस अभियान के दौरान एक अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी जो कि देश के विभिन्न गांवों और कोनों से 7500 कलश में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। और यह जो यात्रा है वह देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे को भी लेकर आएगी जिसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है जो कि नई दिल्ली में है इसके करीब एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इस अभियान का यही मुख्य उपलक्ष्य है। और यह जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है वह हमारे जो वीर शहीद हैं इनके उपलक्ष्य में ही इस अभियान को शुरू किया गया है। पिछले साल जो अभियान को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका नाम था हर घर तिरंगा। यह जो अभियान था इसके तहत लोगों को यह बताया गया था कि अपने घर में वह घर के ऊपर तिरंगे को लगाएं, यानी सभी लोग अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराएं। यह पिछले साल आग्रह किया गया था इस अभियान के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत। तो यह इस बार का अभियान है मेरी माटी मेरा देश। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसानों के लिए पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड क्या है? हाल ही में यह चर्चित है यूरिया गोल्ड, तो यह जो है यूरिया गोल्ड क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सल्फर के साथ लेपित यूरिया है, तो इसका नाम दिया गया है यूरिया गोल्ड। पहले क्या था क्यों यूरिया का जो बाजार में स्टॉक खत्म हो जाता था और ब्लैक मार्केटिंग के लिए ही लॉन्च किया गया था नीम लेपित यूरिया जो कि काफी अब फेमस रहा था नीम लेपित यूरिया। और बाद में अभी सल्फर के साथ लेपित यूरिया को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है यूरिया गोल्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजस्थान की यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड जो एक नया प्रकार का यूरिया है इसको लॉन्च किया है। और यह जो है सल्फर से लेपित यूरिया है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और किसानों के खर्चे को कम करने में अहम मदद कर सकता है, जिससे अगर मिट्टी में सल्फर की मात्रा की कमी होगी तो यह पूरा करेगा यूरिया गोल्ड। और यह नीम लेपित यूरिया के तुलना में अधिक किफायती और कुशल है। आइए हम जान लेते हैं यूरिया गोल्ड के फायदे के बारे में। तो यह जो है अन्य उर्वरकों के स्थान पर यूरिया गोल्ड के उपयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर हो जाएगी क्योंकि यह सल्फर लेपित यूरिया है। और यह जो है नीम लेपित यूरिया के तुलना में अधिक किफायती और कुशल भी है और यह पौधे में नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता में सुधार करता है और यह फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यह सब उपयोग है यूरिया गोल्ड का। और एक रिपोर्ट के अनुसार 15 किलोग्राम जो यूरिया गोल्ड है वह लगभग 20 किलोग्राम पारंपरिक जो यूरिया यूज होता है इसके बराबर यह फायदा पहुंचाता है। तो यानी आपको कम यूरिया में ही आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा यूरिया गोल्ड।
यूरिया गोल्ड जो है वह सल्फर लेपित यूरिया है। अगला जो क्वेश्चन है, मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है केरल जो है वह, तो केरल जो राज्य है वह मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। और यह जो इंक्यूबेशन सेंटर है वह केरल मत्स्य पालन और महानगर अध्ययन विश्वविद्यालय को नीति आयोग से जो है 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है यह अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए। और यह जो विश्वविद्यालय, इसका स्थापना हुआ था 20 नवंबर 2010 को और इसका मुख्यालय है पनंगड़ में। यहाँ के कुलपति है टी प्रदीप कुमार। तो भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित होगा केरल में। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल बाघ आबादी कितनी है? तो सही उत्तर है 3935 जो है अभी भारत की कुल बाघ की आबादी है, रिपोर्ट जो पब्लिश किया है 29 जुलाई 2023 को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3935। और अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो भारत में कुल जो बाघ है वह दुनिया का लगभग 75% है। भारत में बाघों की संख्या जो है वह दुनिया का कुल 75% है। और अगर हम सबसे अधिक संख्या में है बाघ वह मध्य प्रदेश में है 785 बाघ, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक 563 बाघ और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड 560 बाघ यहाँ है, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र जहाँ 444 बाघ है। अगर हम बात करते हैं विभिन्न टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की संख्या की, तो सबसे ज्यादा मात्रा में है जिम कॉर्बेट 260 बाघ यहाँ सबसे अधिक है। इसके बाद आता है बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा, मधुमलाई 114, कान्हा नेशनल पार्क 105, काजीरंगा 104, सुंदरबन में 100 बाघ हैं, ताडोबा में 97, सत्यमंगलम में 85 बाघ हैं और पेंच जो कि मध्य प्रदेश में है यहाँ 77 बाघ हैं। भारत में वर्तमान में अभी कुल 54 टाइगर रिजर्व है। अभी 54वां जो टाइगर रिजर्व है यह है रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में है। 53वां जो है यह टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जिसे 2021 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसे 2022 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो आप यह दोनों को याद रखिएगा, यह दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? तो सही उत्तर है डल झील जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यहाँ अमेजन इंडिया जो है वह इस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। तो सही उत्तर इसका है डल झील। और यह जो स्टोर है वह आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि अमेजोन जो कंपनी है इसके द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। भारत में जल्दी डिलीवरी करने के लिए आई हैव स्पेस यह डिलीवरी प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में अमेजन इंडिया के कंट्री हेड है अमित अग्रवाल। अगर हम बात कर लेते हैं डल झील की, तो यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में और प्रॉपर लोकेशन इसका है श्रीनगर। यह एक तरह का शहरी झील है जो कि मुख्य रूप से यहाँ पर्यटक के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे फूलों की झील भी कहा जाता है या कश्मीर के ताज में गहना भी कहा जाता है इसे, या श्रीनगर का गहना भी इसे कहा जाता है। इसका अलग अलग यह तीन नाम भी है डल झील का, तो आप इसका भी याद रखिएगा, यह तीन नाम है इसे भी। आगे हम बात कर लेते हैं झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है वुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी और एशिया के सबसे बड़ी ऑक्सबो झील की, तो इसका नाम है कंवर झील जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कंवर झील जो कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी है, तो आप इसे याद कीजिएगा कि यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है। और 1981 में चिल्का झील है इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था चिल्का झील को, जो कि उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो। अगर इनलैंड पूछेगा मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ जमीन से, तो यह जो झील है खारे पानी की सांभर झील, सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड झील है। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को
लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जो है इनके पुण्यतिथि है, इसलिए इस दिन इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर है इनका नरेंद्र मोदी को। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सही उत्तर है रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है वह दिया गया है रतन टाटा को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है नैक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा जी कन्ना बीरन को नैक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है जी कन्ना बीरन। अगर हम बात करते हैं नैक की तो नैक का जो फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, यह जो है नैक का यह फुल फॉर्म है। यह जो संस्था है विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो नैक का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, यह नैक का फुल फॉर्म है, आप इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है अभी। अगला क्वेश्चन है यूएस डीएफसी के उप सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है निशा बिस्वाल को यूएस डीएफसी के उप सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, निशा बिस्वाल को। डीएफसी का जो फुल फॉर्म है डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो यह जो है डीएफसी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करते हैं निशा बिस्वाल की तो इन्हें 2017 जनवरी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था, और अभी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ईपीआईएल के अगले सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है शिवेंद्र नाथ को ईपीआईएल के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं ईपीआईएल की तो इसका जो फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, यह जो है ईपीआईएल का फुल फॉर्म है, अभी हाल ही में अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है शिवेंद्र नाथ को। और यह जो ईपीआईएल संस्था व भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यह जो है पीएसयू है, यह क्या पीएसयू है कंपनी है, और वर्तमान में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है धीरेंद्र सिंह राणा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वह काफी महत्वपूर्ण है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 30 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 30 जुलाई को। और सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 2011 में। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम हुआ था 2011 में। अगला क्वेश्चन है विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 31 जुलाई को हर साल विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम रखा गया है विश्व रेंजर दिवस का वह है 30x30, यह इस वर्ष का थीम रखा गया है। और यह जो दिन है सर्वप्रथम पहली बार 2007 में जो 8 रेंजर की मृत्यु हो गया था ड्यूटी के दौरान विरुंगा नेशनल पार्क जो कि कांगो में स्थित है, यहाँ 8 रेंजर्स थे, इनको ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गया था, तो इन्हीं की याद में ही वर्ष 2007 में विश्व रेंजर दिवस मनाया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण है थीम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई ए पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किए हैं। तो सही उत्तर है भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है अमित शाह के द्वारा। और यह जो पुस्तक है वह अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है, तो इनकी भतीजी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, इनका नाम है डॉक्टर
नाजेमा मरईकयार और इसरो वैज्ञानिक है डॉक्टर वाई एस राजन, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और यह जो है तमिल पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है और इन्हें लोगों के राष्ट्रपति यानी पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्हें जाना जाता। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में और मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला था 1997 में, पद्म विभूषण मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 1981 में, वीर सावरकर पुरस्कार मिला था 1998 में, रामानुजम पुरस्कार मिला था 2000 में, रामानुजम पुरस्कार और हूवर पदक मिला था 2009 में। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत रत्न, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा डेट के साथ। यह तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग कल का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो पहला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मचैल माता यात्रा शुरू हुई थी? तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार किस वर्ष तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो सही उत्तर है 2030 तक। स्टैंडर्ड चार्टर के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद है वह 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है? तो सही उत्तर इसका है मध्य प्रदेश। अगला जो है क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2023 में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के साथ भारतीय एथलीटों के लिए नक्शी वीजा जारी किया है? तो सही उत्तर है चीन जो देश है वह अरुणाचल प्रदेश का जो एथलीट था इसके लिए नक्शी वीजा जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, केन्या में आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो सही उत्तर है इनका नाम है जिम स्की। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 30 जुलाई। अगला जो क्वेश्चन है, किसने दुनिया के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है स्पेसएक्स जो कंपनी है वह दुनिया सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई में अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीती है, वह किस राज्य से है? तो सही उत्तर है वह त्रिपुरा से है। अगला क्वेश्चन है, किन विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने हिमालय में 600 मिलियन वर्ष पुरानी नदी की बूंदों का पता लगाया है? तो सही उत्तर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और जापान का निगाता विश्वविद्यालय है, इन दोनों ने मिलकर हिमालय में 600 मिलियन वर्ष पुरानी नदी की बूंदों का पता लगाया है। तो यह हो गया वन लाइनर करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन का। महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान यह इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किए थे। अगला है, यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहां स्थान प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है गांधार में। अगला है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर है महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर इसका फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय स्थित है फ्रांस में। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो सही उत्तर है इथोपिया जो देश है इसका पुराना नाम था अबिसिनिया। तो यह कुछ स्टैटिक जीके का रिविजन हो गया। अब हम लोग आज का क्वेश्चन देते हैं, दो क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जो कमेंट आप कीजिएगा इसका कमेंट सेक्शन में। और अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का या लोक नृत्य है? तो आप इसका भी कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।